So guys, यदि TikTok पर आपके भी 50-60 व्यूज, 200-300 व्यूज, ये 2-3 व्यूज, ये 400-500 व्यूज, ये 1000 से ज्यादा व्यूज आते ही नहीं, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करो। आज मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूं, आपको स्टार्टिंग में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये कुछ गलतियां करोगे और ये ट्रिक को फॉलो नहीं करोगे तो मेरे भाई आपको TikTok पर स्टार्टिंग में ज्यादा लाइक्स नहीं मिलेंगे और आप अपना TikTok अकाउंट ग्रो नहीं कर पाओगे। तो जो आज मैं आपको बताने वाला हूं अपने माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि मैंने भी TikTok पर 3-4 अकाउंट ऐसे ही बर्बाद कर दिए थे जो कि मेरे TikTok अकाउंट एकदम फ्रीज हो गए थे। तो अब तुम्हारे भाई का अकाउंट एकदम मस्त चल रहा है और एक्टिव ऑडियंस है, जितने फॉलोवर्स हैं सब मेरे को जानते हैं, तो आपको भी ऐसे ही अपने फॉलोवर्स बनाने हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहां पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। TikTok पर वीडियो वायरल करने के लिए आपको TikTok के एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा। अब ये TikTok का एल्गोरिदम क्या होता है, पहले तो मैं आपको यही समझा देता हूं और उसके बाद मैं आपको TikTok का एल्गोरिदम सही तरीके से और बारीकी से समझाऊंगा। देखो एल्गोरिदम ये होता है, जैसे YouTube है, अब आपने वीडियो अपलोड कर दिया, अब YouTube आपकी वीडियो को कितने लोगों के पास भेज रहा है, तो TikTok अपना एक एल्गोरिदम क्रिएट किया हुआ है, सभी ऐसे ही करते हैं। तो TikTok का जो एल्गोरिदम है उसके हिसाब से आपका वीडियो वायरल होता है। आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, बट आप स्टार्टिंग में वो नहीं करते जो TikTok का एल्गोरिदम आपसे चाहता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हाउ वर्क TikTok एल्गोरिदम। जब आप TikTok के एल्गोरिदम को ही समझ जाओगे तो उसके बाद आप अपना वीडियो इजीली वायरल कर सकते हो। तो आपको कैसे समझना है, आपको कौन समझाएगा, तुम्हारा भाई समझाएगा। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक मारो। अब मैं आपको समझाता हूं TikTok के एल्गोरिदम को। देखो स्टार्टिंग में ऐसा होता है और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, आपको बस थोड़ा बहुत डिफरेंस लगेगा लेकिन होता है। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा होता है, जब आप TikTok पर पहला वीडियो पोस्ट करते हो तो आपको कितने व्यूज मिलते हैं, 50 से 60 व्यूज आपको मिलते हैं, ये 24-25 व्यूज आपकी वीडियो पर आते हैं, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही सभी के साथ होता है। अब कोई TikTok पर स्टार बन गया कोई भी है तो मेरे भाई स्टार्टिंग में उनके साथ ऐसा ही हुआ होगा। तो स्टार्टिंग में आपको 50-60 व्यूज या 25-30 व्यूज मिलते हैं। जब आप दूसरा वीडियो पोस्ट करोगे TikTok पर तो आपको कितने व्यूज मिलेंगे, केवल 50-60 व्यूज मिलेंगे या हद से हद आपको 5 वीडियो बनाने के बाद TikTok पर पोस्ट करने के बाद आपको 50 से 60 व्यूज मिल जाएंगे, चलो हम इतना मान लेते हैं। जब आप TikTok पर 10 वीडियो बना दोगे तो आपकी वीडियो पर 100 व्यूज मिलने शुरू हो जाएंगे, 100 से ज्यादा व्यूज मिलने शुरू हो जाएंगे। अब आप में से काफी पर्सन कहेंगे कि भाई आपको कैसे पता है, क्योंकि मैंने TikTok के एल्गोरिदम को एकदम अच्छे तरीके से जान लिया। तो देखो ऐसा होता है, अगर आपकी वीडियो पर 50 व्यूज चले गए और आपकी वीडियो पर 2-3 लाइक आ रहे हैं तो मेरे भाई आपका वीडियो वायरल क्यों हो जाएगा, आपकी वीडियो में कुछ खास ही नहीं है, जब ही तो आपको 2-3 लाइक मिल रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि TikTok आपकी वीडियो स्टार्टिंग में 50 लोगों के पास भेजता है और जब आप 5-6 वीडियो और अपलोड कर दोगे तो आपकी वीडियो 100 लोगों के पास जानी शुरू हो जाएगी, जब आप 10-15 वीडियो अपलोड कर दोगे तो आपकी वीडियो 200 से 300 बंदों के पास जानी शुरू हो जाएगी। बट किसी किसी के साथ ऐसा नहीं होता, किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि 15 वीडियो अपलोड किया और उसकी वीडियो पे 200-300 व्यूज मिलने शुरू हो जाते हैं, जो कि स्टार्टिंग में बहुत ही बड़ी बात है। अब जिनको 15 वीडियो अपलोड करने के बाद 200-300 व्यूज मिल रहे हैं ना, तो वे बहुत ही सही व्यूज हैं। 200-300 व्यूज एक्टिव जब मिलते हैं, जब उसका कंटेंट सही होता है, उसकी वीडियो में दम होता है। तो आपको यहां से क्या सीखने के लिए मिलता है कि आपको स्टार्टिंग से अपना TikTok अकाउंट ऐसा लेकर चलना है जिससे कि TikTok को लगे हाँ भाई कुछ दम है इसकी वीडियो में। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा। अब TikTok का एल्गोरिदम क्या करता है, जब आप रेगुलर 50 से 60 वीडियो बना देते हो या 100 वीडियो बना देते हो TikTok पर, तो आपकी एक वीडियो पर 1000 से ज्यादा व्यूज कराता है। किसी भी एक वीडियो पर कभी भी देख लेना, TikTok का एल्गोरिदम ऐसे ही करता है। जब आप कभी भी मतलब 100 या 50 वीडियो अपलोड कर दोगे तो आपकी किसी एक वीडियो पे 1000 लाइक आएंगे, और अगर उस वीडियो पे 500 या 600 लाइक्स आ जाते हैं तो आपकी जो अगली
वीडियो वायरल होगी उस पर 10,000 से ज्यादा व्यूज आएंगे या 1,00,000 व्यूज आएंगे। टिकटॉक का एल्गोरिदम कुछ ऐसे ही करता है। तुम्हारा भाई आपको एकदम सही तरीके से टिकटॉक का एल्गोरिदम समझा देगा, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है और सभी के साथ ऐसा ही होता है। स्टार्टिंग से अपना कंटेंट ऐसा लेकर चलना है एकदम मस्त मक्खन की तरह। तो अब आपको मैं कुछ ट्रिक बताता हूं। पहली ट्रिक ये है, जब आप टिकटॉक पर स्टार्टिंग में वीडियो बनाते हो तो आप जब 50 से 60 वीडियो बना देते हो तो 50 से 60 वीडियो आपने जो बनाई उसमें एक भी ड्यूट वीडियो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि टिकटॉक के एल्गोरिदम को यह लगना चाहिए कि आप अपना कंटेंट पोस्ट कर रहे हो। जब आप ड्यूट वीडियो बनाते हो, कंटेंट किसी और का होता है, बस आपको तो अपना फेस का एक्सप्रेशन देना है, बस बन गया ड्यूट वीडियो। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ड्यूट वीडियो मत बनाओ, कम से कम 100 या 150 वीडियो अपना कंटेंट पोस्ट करो, अपना वीडियो बनाओ। स्टार्टिंग में ड्यूट वीडियो ज्यादा नहीं बनाना, ये एक बात मेरी हमेशा याद रखना। काफी पसंद मेरे को कमेंट करेंगे कि टिकटॉक पर कुछ बंदे ऐसे भी पॉपुलर हैं जो कि ड्यूट वीडियो बनाते हैं। टिकटॉक ने साफ साफ कहा हुआ है, जो ड्यूट वीडियो ज्यादा बनाएंगे उसको हम पॉपुलर क्रिएटर बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड ट्रिक ये है कि जब आप टिकटॉक पर स्टार्टिंग में 50 से 100 वीडियो बनाते हो या 100 वीडियो से कम बनाते हो तो आपको 10 सेकंड से कम का वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना। ये सेकंड ट्रिक मेरी हमेशा याद रखना कि जब आप टिकटॉक पर 100 या 200 वीडियो स्टार्टिंग में बनाते हो या 300 वीडियो, तो मैं आपको बोलता हूं कि भाई 100 वीडियो से कम जो आपने वीडियो बनाया 10 सेकंड से कम का बिल्कुल भी मत बनाओ, क्योंकि टिकटॉक के एल्गोरिदम को यह लगता है कि कुछ भी कचरा पोस्ट कर रहा है। वैसे टिकटॉक ने साफ साफ लिखा हुआ है कि 7 सेकंड से कम का वीडियो होना भी नहीं चाहिए, तो आपको 10 सेकंड से कम का वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तीसरी ट्रिक यह है कि जब आप टिकटॉक पर वीडियो बनाते हो तो आप जो वीडियो देखते हो, जो आप वीडियो देखते हो, तो सबसे ज्यादा वीडियो आप किस टाइप का देखते हो? स्लो मोशन। तो आपको टिकटॉक पर स्लो मोशन वीडियो ज्यादा से ज्यादा बनाना है, टिकटॉक आपका वीडियो खुद से प्रमोट करेगा। तो ये तीन ट्रिक अपने माइंड में सेट कर लेना कि जुन्नू भाई ने बताई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक मारो, और कोई क्वेश्चन है तो भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, और टिकटॉक पर स्लो मोशन वीडियो बनाना चाहते हो ये वाला वीडियो देखो। और हाँ, भाई का सेकंड चैनल है, उस पर मैंने अपना टूर दिखाया था, सेटअप टूर दिखाया था कि मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ, देखना चाहते हो ये वाला वीडियो देखो। तो सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यहां पर क्लिक करके कर सकते हो, और यहां पर क्लिक करके ये वाला वीडियो भी देख सकते हो। मैं आपसे मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड बाय।